है बापू साहब? सुनो जी, सही कह रहे थे आप, मौरी ही मत्ती मौरी गई थी जो ये छोटे सरपंच की करतूत को ढोल बना के सारे गांव में पीट दिया। अब क्या फर्क पड़ता है कौन सच्चा से कि कौन झूठा से, या तो होगी हो, हमारी पुली को क्या होगा? बापू साहब, पुली मारी माँ बनेगी ना? थारे बापू साहब ने इस छोरी से ब्याह कर लिया है, अब यही है तारी नई मासा। जा पैर छूस के। ना, ये मारी माँ ना है, मारी माँ तो पुली बनेगी। थारे बापू साहब ने पूरे गांव के सामने उसकी मांग में सिंदूर डाला है, अब यही है थारे बापूसा की नई लुगाई और थारी नई मासा। अच्छा, सिंदूर बनने से माँ बनती है? इसकी मांग में भी तो सिंदूर है ना? हैं? यहाँ देख लो। ये कैसे? मैंने देखा था जब बापू साहब ये मेहमान काकीसा की मांग में सिंदूर भरने जा रहे थे तो ये सिंदूर उड़ के पुली की मांग में गिर गया था। ये देखो, है ना मांग में सिंदूर? अगर भगवान ने यही लिखा है हमारी किस्मत में तो मैं भी सरपंच साने मन से प्रति स्वीकार करूं। सरपंच सर, सिंदूर तो हवा के झोंके से गिरा है ना फूली के माथे पे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ब्याह हो गया है। बेचारी फूली, फूली कोई जबरदस्ती ना है। सुनो जी, ये जो हो रहा है ना, ये ना तो पहले कभी हुआ है और ना सुना है। अब इस दुविधा का के फैसला करेंगे? सोचना पड़ेगा, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। माफी चाहूं, पर सोचा कि है, पंचों ने फैसला सुनाया, सरपंच ने चकुरी की मांग भरी, अब उड़ के सिंदूर फूली की मांग में घिरा, तो इसमें के है? असल में शादी तो चकुरी की हुई है ना सरपंच के साथ। ये सहारा किस्मत ने डाला है हमारी झोली में, ये मौका ना गवा सकती मैं। बड़े सरपंच, माफी चाहूं, पर आप एक अनजान छोरी के कारण गांव की छोरी के साथ अन्याय करेंगे के? आज एकादशी के दिन इन दोनों का ब्याह होना था, शगुन भी लेकर आए थे हमारे घर, और उसी दिन उन्हीं के हाथों से हमारी फूली के मांग में सिंदूर गिर गया। अब आप ही न्याय करो बड़े सरपंच साहब, कि इसकी मांग में पड़े हुए सिंदूर का कोई मतलब ना है के?
क्या जिंदगी भर ऐसे ही अभागा बनके वो घूमेगी? अगर आप लोगों का यही न्याय है तो मैं खुद ही मिटा देती हूँ इसका सिंदूर। इसके मांग का सिंदूर तो मैं मिटा के ही रहूंगी। ये क्या कर रही हो? ऐसे ना करो काकी साहब। ताना तना दे, ताना तना दे, ताना